अटल जी के जीवन की सबसे बड़ी विशेषता के रूप में बहुत सी चीजें कही जा सकती हैं और एक भी बात दूसरे से कम नहीं हो सकती। लोगों ने उन्हें उत्तम सांसद, संवेदनशील लेखक, श्रेष्ठ वक्ता, लोकप्रिय प्रधानमंत्री के रूप में याद किया है और करते हैं। सुशासन यानी गुड गवर्नेंस को मुख्य धारा में लाने के लिए यह देश सदा अटल जी का आभारी रहेगा। स्वतंत्र भारत की राजनीति में श्री अटल बिहारी वाजपेयी का प्रमुख स्थान है। उनके व्यक्तित्व के कई आयाम थे। वो एक असाधारण राजनीतिज्ञ, वाक्पटु वक्ता, कुशल राजनयिक, शानदार प्रशासक, एक विपुल लेखक और कवि हृदय थे। उन्हें वर्ष 2015 में भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। श्री अटल बिहारी वाजपेयी 3 बार भारत के प्रधानमंत्री बने। वो एक दूरदर्शी नेता थे। उन्होंने भारत के भविष्य को देखते हुए देश को पोखरण द्वितीय के लिए परमाणु शक्ति घोषित करने का एक दृढ़ निर्णय लिया। उनकी मेगा परियोजना स्वर्णिम चतुर्भुज और ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कॉरिडोर राजमार्गो के माध्यम से 4 महानगरों को जोड़ा गया और विभिन्न प्रदेशों के बीच सड़क यातायात को सुगम बनाया गया। इससे भारत के बुनियादी ढांचे में परिवर्तन हुआ और विकास की वृहद प्रक्रिया शुरू हुई, जिससे आम आदमी लाभान्वित हुआ। उनके पास प्राचीन धर्म, संस्कृति और सभ्यता का एक बड़ा ज्ञान और समझ थी, जिसे उन्होंने अपनी कविता और साहित्य के माध्यम से व्यक्त किया। इस बहुआयामी प्रतिभा के कृतित्व पर अध्ययन करने के लिए बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ में भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी पीठ की स्थापना की जा रही है। इस पीठ के माध्यम से श्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा विदेश मंत्री, विपक्ष के नेता, प्रधानमंत्री और साहित्यकार के रूप में उनके योगदान के ज्ञात और अज्ञात पहलुओं को सामने लाए जाने का प्रयास किया जाएगा। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ में स्थापित ये पीठ शहर की एक उपलब्धि होगी, क्योंकि ये उनका निर्वाचन क्षेत्र था जिसका उन्होंने 3 बार प्रधानमंत्री के रूप में प्रतिनिधित्व किया था। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग पीठ के लिए वित्त पोषण करेगा।